आत्मा निष्ठा को तो होने से मनन चिंतन कैसे करेंगे बाबा? जब आत्मा निष्ठा को हो जाएंगे तो मनन चिंतन तो नहीं होगा। निशंक क्या होता है? निसंकल्प। ये नहीं कहा कि निसंकल्प हो जाओ तब आत्मा निसंकल्प बने और मनन चिंतन मंथन चले। निसंकल्प स्टेज ऊंची स्टेज है और मनन चिंतन मंथन सेकेंडरी स्टेज है। मनन चिंतन मंथन माने आकारी, साकार स्टेज से ऊंची स्टेज और निसंकल्प अर्थात निराकारी। ये तो नहीं कहा कि निसंकल्प बनने के बाद मनन चिंतन मंथन चलेगा। निसंकल्प बनने के लिए मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करना है। मंथन करेंगे तो बाप का यथार्थ रूप बुद्धि में स्थायी रूप से बैठेगा, नहीं तो निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहेगा। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय आएगा, अभी अभी निश्चय उखड़ जाएगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस रूप पर स्थायी निश्चय बैठाने के लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाना जरूरी है, तब निसंकल्पी स्टेज आवेगी। और हमारा असली मंजिल तो निशंकल्प हुआ। उस
उसके लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज से गुजरना पड़े। आत्मा की महीनता क्या है और बाप कितनी महीन स्टेज में है, वहां तक पहुंचना पड़े। लेकिन जब याद करता है तो इस समय मनन चिंतन होता, कोई चिंता नहीं होता, मैंने ऐसे होता हम कभी करते हैं फिर भी होता नहीं, कोई कोई चिंता ही नहीं होता, ऐसा देखता है हम अध्यक्ष नींद में है पर कोई चिंता नहीं होता, ऐसा ही ये क्या चीज है बाबा, वो कितनी देर टिकता है। कोई एक घंटा हो जाता, एक घंटा निसंकल्प स्टेज हो जाता है, एकदम पार निर्माण चला गया। याद करते करते सो जाते हैं और बाद में पता चलता है एक घंटा हो गया। बाद में तेरा बॉडी फ्रेश हो जाता है, है? बाद में बॉडी फ्रेश हो जाता है, जो चार घंटा सोने से भी इतना फ्रेश नहीं होता है। हाँ, याद करते करते सो जाते हैं और सो जाने के बाद जब पता चलता है तो बहुत फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन सुनने में भी इतना फ्रेश नहीं होता था। अब आप लगातार रहेंगे, आप लगातार रहेंगे क्योंकि आप तीन साल हो गया ज्यादा। सोना होता है तब जब आत्मा थकान होती है, देवताएं सोते नहीं है क्योंकि वहां थकान नहीं होती है, निरंतर आत्मिक स्टेज रहती है। और यहाँ सोना तब होता है जब याद करने बैठते हैं और संकल्प इधर उधर भागते हैं। याद करने में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत भासती है, लवलीन स्टेज नहीं आती, तो थकान अनुभव होती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहां याद करने में थकान अनुभव नहीं हो सकती, और जहां मेहनत होती है वहां याद करने में थकान अनुभव होती है। धूप जाने से जल्दी क्यों सो जाते हैं? धूप जलाने जब याद करने बैठते हैं तो जल्दी लगता याद होता सो जाते हैं। अगरबत्ती बोले और अगरबत्ती जब भी भूत जाता तो आँख खुल जाता है। कोई कोई भूत प्रेत ऐसे होते हैं अगरबत्ती जलाते हैं और आ जाते हैं। गोड्डा में जो गीता पाठशाला है, हाँ जी, झारखंड में, हाँ जी, यदि ये भी बाबा बोलते हैं आप उसकी जगह गीता पाठशाला की क्यों नहीं बोला जाता है? क्या बात नहीं बोली जाती? एक गीता पाठशाला झारखंड में गोड्डा का ही नाम आता है। तो पूरे झारखंड में एक ही गीता पाठशाला खुली होगी, दूसरी गीता पाठशाला बोकारो की भी है और तीसरी धनबाद की भी है। लेकिन आपकी बात बात की गोड्डा में ही है कि गीता पाठशाला? गोड्डा में तो लास्ट में खुली है, इसलिए छोटा बच्चा होने के कारण बड़ों को पहचानता नहीं है अभी। पुरानी गीता पाठशाला तो बोकारो की है, बोकारो से भी पुरानी धनबाद की है, आपको पता नहीं है इसलिए। और सदानंद भाई उठाए थे क्लास, इसीलिए हम पूछ रहे हैं बाबा। सदानंद भाई जानते नहीं है कि धनबाद झारखंड में है कि अब बिहार में है? धनबाद और बोकारो अब बिहार में नहीं है,
झारखंड में चले गए। गीता पाठशाला नहीं है कहीं भी, गीता पाठशाला नहीं है, गुड्डा नहीं है उस एरिया में, कहीं नहीं है। जो झारखंड का पश्चिमी इलाका है उस एरिया में, गोड्डा में ही अभी 3-4 साल से गीता पाठशाला है। पुराने पुराने लोग नए नए बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कहीं कुछ बोल देते हैं, ऐसे ही बोल दिया होगा। और गीता माता का नाम ओरिजिनल कौन सा है? अपने नाम गीता माता है क्या है? गीताएं दो हैं, एक गीता जिसके दिल पर शिव की छाप है और एक गीता जिसके दिल पर कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है। जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है उस गीता से होती है दुर्गति, और जिस गीता पर शिवशंकर भोलेनाथ की छाप है उससे होती है 1 सेकंड में सदगति। बाकी ओरिजिनल नाम क्या है वो तो अव्यक्त बाप दादा कई बार बता चुके हैं कि बाप दादा बोर्ड पर नहीं लिख करके बतावेंगे या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है। अपनी अपनी चलन से, अपने अपने पार्ट से, दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी अपनी सेवा से स्वतः ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। पांच सौ करोड़ का पार्ट पूछ पूछ करके नहीं बताया जा सकता। अंत में जो जो आत्माएं आएंगी तो वो तो बाबा का परिचय मिलेगा उसको, तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा इतना फास्ट? बाबा आज मुनि ने इसे कहा उसे बहुत जल्दी से परिवर्तन हो जाएगा, कैसे परिवर्तन होगा बाबा को तो पूछा करके समाज उसको मिलेगा नहीं, नमस्कार भी रह जाएगा, पूरा संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। आयो दापर जो साइकोलॉजी में आएंगे लेकिन तो पूरा से आत्मा बनना ही पड़ेगा। बाबा तो बोला 500 का शौक तो दूसरों माला बनना ही पड़ेगा। तो 500 करोड़ वाले जो हैं वो पुरुषार्थ की लिस्ट में आएंगे। जो राजयोग का पुरुषार्थ है उसमें टोटल कितने हैं जो उस लिस्ट में आते हैं? तो 500 करोड़ को कहाँ से ला दिया? आप तो ले जाएंगे ना बाबा, बाप ले जाएंगे। हाँ बाप ऊपर जाएंगे तो 500 करोड़ भी आत्मा को राजयोग की स्टेज में ले जाएंगे। आत्मा बनते तो जाएंगे, जाना पड़ेगा, पवित्र होकर जाएंगे। धर्मराज की सजा से ले जाएंगे या पुरुषार्थ करके जाएंगे? क्या अगड़म बगड़म पूछते हो? जो 33 करोड़ आत्मा का हम लोग, जो 23 करोड़ आत्मा जो परमधाम में 10 दिन तक रहेंगे, हाँ जी, वो आदि किस रूप में आगे आएंगे? मतलब वो डायरेक्ट दुनिया में आएंगे या ग्राहकों के बाद आते रहे? त्रेता के अंत तक टोटल आबादी होती है 8-10 करोड़। 33 करोड़ है देवात्माओं की संख्या, जो पहले जन्म से उतरना शुरू होती है और 84वें जन्म तक उतरती रहती है। सिर्फ देवता धर्म की आत्माएं नहीं, हर धर्म की आत्माएं जब से उतरना शुरू होती है तो अंतिम जन्म तक, कलयुग के अंत तक उतरती रहती है। कोई धर्म की आत्मा बीच में आना बंद नहीं होती।
तो देवता धर्म की आत्माएं भी ऐसे नहीं द्वापर में आना बंद हो जाएंगी। 8 करोड़ आत्माएं उनमें ऐसी हैं जो शरीर से जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी अनेक जन्मों तक। बाकी 23 करोड़ ऐसी हैं जो सिर्फ एक जन्म में जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी, बाकी जीवन बंध में आ जाएंगी। आत्मा जो अभी लास्ट तो गा रही उसका जैसे अभी बहुत नाम वाला है वो रामदेव है, वो सब है क्या? सब नई नई आत्माएं आ रही है। जो नई आत्मा आती है उसका नाम बाला हो जाता है, जो पुरानी आत्मा होती है तमो प्रधान होने के कारण कितना भी कुछ पुरुषार्थ करे तो भी जल्दी उसका नाम बाला नहीं होता है। और शिव बाबा जगत का नाथ बनता है, है? बनता है या बनाता है? फिर जिसका नाम शिव है उसको कोई आस है? उसको तो कोई आस नहीं है। हम बच्चों की आस है, वो भी तब तक है आस जब तक इच्छा मात्र अविद्या नहीं बने हैं, तो शूटिंग होती रहती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची, ऐसे ही ब्राह्मण भी अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि रचते हैं। बाकी इस विनाशी दुनिया में राजाई की आस करना, और इच्छा मात्र अविद्या होना कितनी विरोधी बातें हैं। रामायण में राम के साथ किसको दिखाया है? लक्ष्मण को दिखाते हैं। और महाभारत में कृष्ण के साथ बलराम को दिखाते हैं। ये दो ही सृष्टि रूपी गाड़ी के पहिए हैं जो अरस परस पार्ट बजाते रहते हैं। है संगम युग की बात। जो राम के भक्त हैं उन्होंने राम को आगे रख दिया, लक्ष्मण को बाद में रख दिया, और जो कृष्ण के पुजारी हैं उन्होंने कृष्ण को आगे रख दिया और बलराम को महिमा में पीछे रख दिया। ऐसे ही जो गणेश के पुजारी हैं वो गणेश को आगे रख देते हैं, हनुमान के पुजारी हनुमान को आगे रख देते हैं, देवी के पुजारी देवी की महिमा ज्यादा कर देते हैं, तीनों देवताओं को नीचा दिखाई देते हैं। ये तो शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बैठ लिखी है।
असली बात तो बाप संगम युग में समझाते हैं। जो जगतनाथ है उसका पार्ट जगत माता के साथ दिखाया जाएगा या भारत माता के साथ दिखाया जाएगा? है जगत माता के साथ दिखाया जाएगा। जगन्नाथ का कनेक्शन रुद्रमाला से है या विजयमाला से है? रुद्रमाला से है, तो रुद्रमाला में ही जगत माता भी दिखाई गई होगी। लेकिन बाबा जगन्नाथ, अरे रुद्रमाला में भाई बहन ही होंगे या पति पत्नी होंगे? जब रुद्रमाला है तो स्त्री चोला है तो बहन है, पुरुष चोला है तो भाई है, रुद्र के ही बच्चे हैं ना। और भाई के साथ शादी कर लिया तो विजयमाला में आ गए, विकारों पर विजय हो गई नहीं आई? तो द्वापर युग से जो गिरती कला है वो जगन्नाथ मंदिर में, बाहर जो चित्र दिखाए गए हैं उनमें क्या दिखाया गया है? है जैसा चरित्र वैसे ही चित्र बनाए जाते हैं। और मूली में तो पहले पहले मूली सुना है, उसने बोला है वो असली गंदे चित्र नहीं है, उसका आंख पर देखो। बाबा ने ऐसा बोला उपराम स्थिति में रहा है, ऐसा बोला तो पुलिस सरकार जो वहाँ पर रास्ता है गंदा चित्र का, जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर और ये एलिफेंट का फिलौना अजंता ऐसा बाबा बोला सुना है, आपकी गंदे चित्र नहीं है। अजंता एलोरा में किसी ने बताई गंदे चित्र है? अजंता एलोरा में तो गंदे चित्र नहीं है, कहाँ से ऐड करते जा रहे हैं? कोणार्क और जगन्नाथ उसमें मंदिर के बाहर गंदे चित्र दिखाए गए हैं, वो द्वापर युगी स्टेज की यादगार है, द्वापर युगी शूटिंग की यादगार है। सतयुग त्रेता की यादगार नहीं है, ब्रॉड ड्रामा भी इसी रंगमंच पर होता है और शूटिंग भी इसी रंगमंच पर होती है। मंदिर के बाहर दिखाने का मतलब क्या है? सतयुग त्रेता है मंदिर और द्वापर कलयुग है बाहर। जितना मनमत मिक्स करते हैं उतना द्वापर कलयुग की मायावी युग की शूटिंग होती है, और जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना श्रेष्ठ युग की शूटिंग होती है। इसलिए वो चित्र मंदिर के बाहर दिखाए हैं। तो कुंभ में जैनों का जो मंदिर में जो पूरा माने दिखाया गया है जो कला देखकर व्यक्ति को मंदिर के अंदर में भी दिखाया गया, तो क्या है? कंपी में जैनों का जो मंदिर है उसमें तो एकदम पूरा सब मना गंगा सब दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? पूरा मैंने कपड़ा कुछ नहीं है। दोनों तरह के मंदिर हैं, एक श्वेतांबर मंदिर है
उसको कपड़े दिखाए जाते हैं जो ब्रह्मा सरस्वती के समय की यादगार है, साकारी स्टेज की यादगार है, और जो निर्वस्त्र दिखाए गए हैं वो काले चित्र हैं, ऊंची स्टेज में दिखाए गए हैं, चाहे वो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाए जाए, चाहे वो कंपिल के मंदिरों में दिखाए जाए, ऊंची स्टेज दिखाने के लिए उन काले चित्रों को ऊंचे स्थान पर रखा गया है। दिलवाड़ा मंदिर में भी काली मूर्तियां ऊंचे स्थान पर हैं, और जो गोरी मूर्तियां रखी हुई हैं कपड़े सहित वो नीचे स्थान पर है। एक है बेसिक नॉलेज की यादगार और एक है एडवांस नॉलेज की यादगार। एडवांस नॉलेज में बंदरों की सेना है या बेसिक में बंदरों की सेना है? तो काले मुंह वाले कहाँ दिखाए जाएंगे? और कहाँ से निकाला? 31 से लेके 33 तक। है 21 से 2021 से कंचन काया बनेगी, बर्फ में ढकेंगे, बर्फ में ढकेंगे, बर्फ में ढकेंगे। एक मेरा है, कैसे बनेंगे कंचन काया? पुरुषार्थ से बनेंगे। लगातार निराकारी स्टेज रहेगी तो निसंकल्प स्टेज रहने से शरीर के अंदर बीमारी के बीज ही खत्म होने लगेंगे, निरोगी काया बनती जाएगी। वो अलग बात है, वो स्थूल रूप में जो बर्फ में ढकने की बात है वो तब की है जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल कर समुद्र में आ जाएंगे, क्योंकि भारी एटमिक विस्फोट होगा, उससे पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा और सारी पृथ्वी पर भूकंप होने लगेंगे, ज्वालामुखी फटने लग पड़ेंगे, तो सारा समंदर का पानी ऊंचे स्तर में जाने के बावजूद भी भाप बनकर उड़ जाएगा और फिर जोर से बरसात होगी, मूसलाधार बरसात कई रोज तक, उससे सारी पृथ्वी का बैलेंस टेम्परेचर का एकदम डाउन हो जाएगा, तो बर्फ में ढकना पड़े। आखिरी एटमिक विनाश कब होना चाहिए? जब आखिरी बम फटेंगे, जैसे दीपावली होती है, दशहरा होता है तो फटाके छुड़ाते हैं, पहले धीरे धीरे छुड़ाते रहेंगे, आखिर में क्या करते हैं? सारे ही फटाके एक साथ झोंक देते हैं। वैसे ये भी 5-7 रोज का चतुर्थ विश्व युद्ध होगा और उसमें सब खलास हो जाएगा। पहले हो जाएगा क्या? नहीं, बाबा जो दादा मेरा जो उम्र है वो तो उसको तो प्रॉब्लम जाना पड़ेगा। तब तक सूक्ष्म बटन है ना,
आश्रम बतन में सबको ठहरना पड़े। क्या बुरा है जाएगा? वो तो इस दुनिया से ही अलग हो गए, उनका वाइब्रेशन अलग हो गया। वो तो पांच तत्वों से परे की स्टेज में चले गए। उनको प्रकृति के पांच तत्व नुकसान कैसे पहुंचा देंगे? कौन तो बुद्धियों की बात है। आँखों से राधा कृष्ण थोड़े ही देखेंगे, तुम अगर हिम्मत करेंगे तो देखेंगे। भक्ति मार्ग को त्याग करने की, भक्ति मार्ग के संस्कार अगर खत्म करने की हिम्मत करेंगे तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करने वाले ज्ञान मार्ग जिंदाबाद की स्टेज में पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। बाबा सतयुग का फाउंडेशन कब से पड़ता है? राधा कृष्ण का जन्म हुआ और फाउंडेशन तो पड़ता है, लेकिन 9,16,108 संपन्न स्टेज को सब नहीं पहुंचते। वो स्टेज पहुंचने में उनको 2036 चाहिए। उसमें भी दो प्रकार की आत्माएं होंगी, पापात्माएं और पुण्यात्माएं। जो राजधानी होगा 36 के बाद तो दादा लेगा सोचा इतना होगा सारी बातें यहाँ की है, संगम युग की, सतयुग की बातें नहीं है। और सतयुग की कोई हिस्ट्री नहीं है किसी के पास। नौ लाख सितारों का जो गायन है, रानी के नौ लखा हार का गायन है, वो कौन सी युग की बात है? संगम युग की बात है। जो बर्फ पिघलेगी वो सिर्फ माउंट आबू में ही पिघलेगी, और भाप बन करके जो समंदर का पानी उड़ेगा वो सब माउंट आबू में ही बरसात होगी। सारा दुनिया में पानी पानी हो जाएगा, जम्बू द्वीप बचेगा या नहीं बचेगा? अच्छा, हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा कोई है? हाँ जी। और आदि में जैसे गांधर्व को विवाह हुआ है, आदि से गांधर्व को विवाह हुआ गंधर्व ऐसे ही होगा, गंधर्व विवाह अभी अभी कहते गंधर्व ऐसे भी होगा, तो गंधर्व ऐसे होगा। गंधर्व विवाह की आस लगाए बैठे। जो विदेशी और विधर्मी विधर्मी धर्म खंड है, वहाँ जो भी कुमार कुमारी होते हैं वो अपनी सगाई और अपने जोड़े अपने आप तैयार करने की बुद्धि चलाते हैं। और भारतवर्ष में माता पिता के ऊपर छोड़ते हैं। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? हैं? यहाँ संगम युग में ही हम ब्राह्मणों के अंदर ये शूटिंग होती है। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं
वो पहले से गुण तारा बजाती हैं कि हमारा संगी साथी कहाँ होगा, कैसे होगा, ढूंढ निकालें जल्दी से। और जो स्वदेशी होते हैं वो अपने पुरुषार्थ में मस्त रहते हैं, हमारे बाप का नाम बाला कैसे हो। है प्राप्ति तो बाप से ही होगा। हाँ, प्राप्ति बाप से तो होगी, बाप सा ही गुणगान करना चाहिए। लेकिन 9 लाख में, 4.5 लाख में ऐसे भी विधर्मी बीज होंगे ना, जो बाप को छोड़ करके कोई दूसरे की मत पर चल पड़े थोड़े समय के लिए, ताकि माला में उनका नंबर डिक्लेयर हो जाए। हैं? हाँ, नहीं चढ़ सकेंगे तो सचिव में जो आखिरी विनाश होगा उसमें जीवित भी नहीं रह सकेंगे। दोनों में फर्क क्या है? स्वयंवर का मतलब ही है स्वयं वरण, स्वयं ही वरण कर लेना। जो शास्त्रों में बात लिखी गई है वो संगम युग की बात है, ये मन के अंदर वरण करने की बात है कि हमारा 21 जन्म का साथी कौन होगा। बाकी आज की दुनिया में जैसे साथी बना लेते हैं देह से साथ साथ रहने के लिए, ऐसा कोई साथ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो नई दुनिया की जनरेशन आने वाली है वो वाइब्रेशन की जनरेशन होगी, या देह की कर्मेंद्रियों के आनंद की जनरेशन होगी। अभी तो इच्छा मात्र अविद्या होना है, कर्मेंद्रियों के सुख से एकदम परे। बूढ़े लोग तो बहुत खुश होंगे, कंटा कट गया। नौजवान लोग कहेंगे ये कहाँ की मुसीबत आ गई। सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। जो कुछ आदमी सीता माता ने पहले कभी छोड़ा, राधावासी ने पहले कभी छोड़ा, जब नई दुनिया की पूरी स्थापना हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, उस समय रुद्रमाला की जो मुखिया है वो अपना लक्ष्य पूरा प्राप्त करेगी, या विजयमाला की मुखिया लक्ष्य पूरा प्राप्त करेगी? है, विजयमाला की मुखिया नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य पूरा प्राप्त करेगी। जो पूरा लक्ष्य प्राप्त करेंगे, नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, वो संतुष्ट मणि की लिस्ट में जाएंगे। स्वयं भी संतुष्ट होंगे और अपनी प्रजा को भी संतुष्ट करेंगे। और जो यहाँ असंतुष्ट रह जाते हैं भले परसेंटेज में सही, उनको फिर शरीर छोड़ना पड़े। अंत में जैसा है वैसा ही आदि में है। अंत में जगदम्बा शरीर छोड़ने की स्टेज में होगी, सूर्यवंशी स्टेज में होगी, या ठेठ चंद्रवंशी स्टेज में होगी,
कौन से धर्म का पक्का बीज होगी? चंद्रवंशी की बीज होगी। और विजयमाला की है चंद्रवंशियों में पलते हुए भी समर्पित बुद्धि होने के कारण चंद्रवंशी से क्या बन जाएगी? सूर्यवंशी बन जाएगी। इसलिए वो शरीर छोड़ेगी या लंबी समय तक योग बल से योग बल की आयु भोगेगी। जो जितना योगी उतने लंबे समय की उसकी आयु बनेगी पहले जन्म में। आदि में राधा बस्ती के द्वारा जब गुरु का संचालन चल रहा था तो उसमें जीवा कहाँ थे? जीवा किसके अंदर में सेवा कहाँ थी? अम्मा को बोल गए क्या? अम्मा को छोड़ दिया पहले बोले अम्मा ने शरीर छोड़ दिया, ये तो तुमने अनुमान लगाया। त्रिमूर्ति का कोर्स बाद में, पहले तो मुरली है। मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। इसका मतलब पाकिस्तान का जो फाउंडेशन पड़ा है, जो अजमेर का मॉडल बना है, उससे पहले ही दोनों माताओं ने शरीर छोड़ दिया था। ये जरूर है एक ने पहले शरीर छोड़ा होगा, एक ने बाद में शरीर छोड़ा। उसके बाद ही तो हाँ जी हाथ उठा के बोलो ना। हाँ हाँ जी एक आदमी बोलो तो दस जगह से बोलो तो कहीं समझ। हाँ हाँ जी लेकिन पुरुष को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज ग्रह जो है वो तो खाली चौक में नहीं दिखाई देते अरे ये शुक्र तारा दिखाई नहीं पड़ता क्या? बुद्ध तारा दिखाई नहीं पड़ता क्या? ये क्या बात हो गई? खाली आंखों में क्यों? वो चश्मा लगाएंगे तभी है? नहीं, वैसे ही दिखाई देते हैं। वो बोल रहे हैं उनके बोलने की क्या, उन्हें पता ही नहीं है? यानी स्थूल नेत्रों से भी वो स्थूल ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं। और विराट रूप ब्राह्मण चोटी को नहीं दिखाया और शिव बाप को नहीं दिखाया। जो दिखाने वाले हैं वो भक्त बुद्धि है या ज्ञानी तू आत्मा है? वो भक्त बुद्धि आत्माएं जो द्वापर युग में दिखाने वाली है, वो संगम युग में बाप को
और गुह्यते गुह्य पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। जब उनके पार्ट खुल जाते हैं तब भक्तों का नंबर लगता है। तो यहाँ भी पुरुषार्थ की गुह्यता को नहीं पहचान पाते और वहां भी न पहचानने के कारण ब्राह्मण चोटी को भी उड़ाई दिया और शिव बाबा को भी उड़ाई दिया, देवताओं को पकड़ते हैं। बाबा जो सूर्यवंशी का जो नौलाख है, नौलाख का अंदर जो सूर्यवंशी का होगा वो कितना? 1,00,000 होंगे। 9,00,000 टोटल के अंदर है, टोटल 9,00,000 का अंदर सूर्यवंशी होगा। 1,00,000 टोटल 9,00,000 का अंदर सूर्यवंशी होगा। 1,00,000 उसका अंदर मतलब आधा उधर का आधा इधर का, मतलब चंद्रगुप्त से आधा 50,000। हाँ जी 50,000 का अंदर भी जो हाफ होगा इधर का दूसरे मुद्दे माला का अंदर 25,000। 25,000 की पूरा बाप का थोड़ा मतलब आदेश में चलेगा है, पूरा बाप का कदम में कदम रखे चलेंगे। पूरा बाप के कदम पे कदम रखने वाले तो नंबर वार 8 ही होंगे, उनमें भी नंबर होंगे। जो आज से अंत तक आखिरी जन्म को छोड़ करके कदम पर कदम रख करके चलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 है। नहीं तो माया सबको हिलाती रहती है। हाँ बाबा इनमें प्रजन करते हैं कि बातें संवर्धन, तो इनमें माना जाना नहीं चाहिए। इनमें माने दोनों में, राम में भी और कृष्ण में भी। तो क्या अलग अलग है ही बातें दोनों? जब प्रवेश करते हैं तो मुरली चलाते हैं और जब साक्षात्कार होता है तो मुरली थोड़े चलाते हैं। और सब देखेगा, पहले घर वाले नहीं देखेंगे जन्म होने वाले बच्चों को, पहले सब देख लेंगे। हाँ ब्राह्मण परिवार में भी एक धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं या अलग अलग अनेक धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं? तो अलग अलग धर्मों की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी देखेंगी? ये तो हमें पता ही नहीं था। अब बेसिक में थे तब ऐसे बताया जाता है। पीपल के पत्ते में जो राधा कृष्ण आता है वो बात है बुद्धि से समझने की। पीपल का पत्ता माने बहुत हल्की नवैया, माने जगदम्बा, जिसके लिए इशारा दिया मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, बहुत हल्की नवैया है। और वो संसार सागर में पड़ी हुई है, जितना बड़ा जहाज होता है तो डूबने की संभावना कम होती है और छोटा जहाज होता है, छोटी नवैया होती है तो अगर तूफान आवेंगे तो डूबने की संभावना जास्ती होती है। लेकिन बाप गारंटी देते हैं ये पीपल की नवैया ढिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उस पर कृष्ण बच्चा विराजमान है। तो वो यहाँ समझने की बात है। वो पार्ट शूटिंग पीरियड में पहले से ही चल रहा है, वो जन्म की बात स्थूल जन्म की बात नहीं है। स्थूल जन्म की कोई भी बातें
जो राधा कृष्ण का स्थूल जन्म होगा उसकी बातें सच्ची वो शास्त्रों में है क्या है? उसकी बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जो भी राधा कृष्ण और कंस की बातें हैं, कंस और कृष्ण की बातें हैं, वो अभी संगम युग की बातें हैं, बुद्धि से समझने की, प्रैक्टिकल जन्म की बातें नहीं है। मिक्स नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्ट एक जैसे नहीं चलता, पार्ट बदलना है आगे बढ़ाने के लिए। तावी, ये मानो तो देवी, न मानो तो पत्थर। तो गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला में गीतापति भगवान दिखाई पड़ता है। जिनको दिखाई पड़ता है वो उसके डायरेक्शन पर चलते हैं, जिनको नहीं दिखाई पड़ता है वो फिर मनमानी करते हैं। गीता पाठशाला का मतलब ही है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। जो भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं, उनमें बाहर से आने वालों की भी भावना कितनी गहरी होती है, अंदर वालों की भी बहुत श्रेष्ठ भावना होती है। कितना पवित्रता का भव्य वातावरण होता है। इसलिए बोला गीता पाठशाला का नक्शा भी ऐसा बनाना है जैसे मिनी मधुबन। पाठ बदलना है आगे बढ़ने के लिए, बदलने बदलने का कुछ कनेक्शन है? कोई पाठ एक दिन से नहीं चलता, बदलना है आगे बढ़ने के लिए, बदलने का ही तो सारा डायरेक्शन है। और है क्या मुरली में, दुनिया बदलने के ही तो सारे डायरेक्शन है, कोई एक डायरेक्शन की बात है? मुरली का एक एक वाक्य पुरानी दुनिया को नई दुनिया में कन्वर्ट करने वाला है। और कौन कौन देखेंगे? जब बच्चा जन्म होता है तो मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, जिला वाले, जनपद वाले पहले देखते हैं, स्टेट वाले पहले देखते हैं या घर वाले देखते हैं? हम घराने में नहीं है, तुम्हारे अंदर क्यों संकल्प ऐसा आया है? जैसा संकल्प का बीज बोएंगे, संशय बुद्धि विनश्यते। हम ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे? ये नहीं आएंगे का निगेटिव संकल्प कहाँ से आ रहा है? तो नहीं देखेंगे ये नेगेटिविटी? आप बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन माने नेगेटिविटी। ये नेगेटिव संकल्प कहाँ से आता है? माया से आता है। माया रावण चलाता है नेगेटिव संकल्प, या माया रावण के संग वाली जो आत्माएं हैं वो नेगेटिविटी पैदा करती हैं। जो राम के संकल्प संग वाली आत्माएं हैं, मायावियों का जिनको संग ही नहीं होता, वाचा से भी संग नहीं करती, उनको नेगेटिविटी पैदा ही नहीं होती। नकारात्मक भाव। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मुरली में जितना बोल दिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पुरुषार्थ करते हैं, कभी उनको प्रश्न चित्त होते ही नहीं, कोई प्रश्न बुद्धि में पैदा ही नहीं होता। बाबा, जवान रास्ता से पास रहे, तो हम लेगा तो
जाने लगेगा या हिलने लगेगा? अभी कहाँ जा रहे हैं? परमधाम जा रहे हैं? कोई तो पूछ रहे हो ना। पूछने क्या बात है, सब इकट्ठे परमधाम जाएंगे या पहले से ही जाएंगे? बाहर की दुनिया की चिंता लगी हुई है। बाहर की दुनिया की चिंता लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं। अभी जाने की बात है ही नहीं। सूक्ष्म बतन बनाई इसलिए कि सब आत्माएं सूक्ष्म में ठहरे हैं, बाहर की दुनिया भी। लास्ट जब विनाश होगा तो सब आत्माओं को एक साथ परमधाम जाना है। हाँ, सूक्ष्म बतन माने सूक्ष्म स्टेज है। हाँ, कोई है नहीं, कोई स्थान है क्या? आत्मा की ऊंची स्टेज ही सूक्ष्म बतन है। उसमें भी तीन तबके हैं। ब्रह्मा के स्टेज का मनन चिंतन मंथन जो बेसिक नॉलेज वालों का ही होगा, फिर ऊंचे से ऊंची स्टेज का मनन चिंतन मंथन जो एडवांस वालों का होगा, फिर जो बेसिक स्टेज से ऊंचा उठ करके विजयमाला की स्टेज में पहुंचेंगे, सूर्यवंशी की स्टेज में पहुंचेंगे बाद में, वो है मीडियम स्टेज, विष्णु की स्टेज। और भक्ति मार्ग में उन तीनों का नाम दिया है, ब्रह्म समाजी, ब्रह्मा की औलाद, वैष्णव पंथी, विष्णु के फॉलोअर, शैव समाजी, शिव के फॉलोअर। ये तीन प्रकार की स्टेजेज हैं जो विनाश होने तक भी आत्माएं धारण करेंगी। ऊपर नीचे की बात नहीं है, मन के सूक्ष्म संकल्पों में टिकने की बात है। परम धाम तो बिंदु निसंकल्प स्टेज। जो जोड़ी बनती है वो नीचे वंश वाले के मिला करके बनती है या समान वंशियों की जोड़ी बनती है? जैसे ब्राह्मणों में जब शादी करते हैं तो वर पक्ष ऊंचे कुल का होता है या कन्या पक्ष ऊंचे कुल का होता है? वर पक्ष ऊंचे कुल का होता है और कन्या नीचे कुल की होती है। तो ऐसे ही रुद्रमाला के जो अष्टदेव हैं वो दो कुलों से हैं या एक ही सूर्य वंश से हैं? दो कुल से हैं। रुद्रमाला में जो अष्टदेव हैं वो पक्के सूर्यवंशी हैं या कोई दूसरे दूसरे वंश के भी हैं? पक्के सूर्यवंशी हैं, उनकी जोड़ी कहाँ से आ गई? हाँ, भाई बहन कह सकते हैं, भाई भाई कह सकते हैं। सुभद्रा को और जगन्नाथ को भी जोड़ी दिखाया है क्या? वो भी दोनों रुद्रमाला के मणके हैं, भले एक वंश के पक्के नहीं है। पक्के है क्या? जगन्नाथ हट्टी सूर्य वंश का और जगत माता हट्टी चंद्रवंश की बीज। तो रुद्रमाला के मणके दोनों हैं, इसलिए भाई बहन है। भाई बहनों की जोड़ी बनाने की बात बुद्धि में ही नहीं आनी चाहिए,
और वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा रुको। हैदराबाद में बारामती के दादा का सुखो का संचालन कर रहा था, राधा बच्ची के द्वारा सेवक यज्ञ का संचालन चल रहा था। राधा बच्ची के द्वारा, राधा बच्ची के द्वारा जब गीता माता शरीर छोड़ देती है उस समय ब्रह्मा की सोल उसमें शिव का प्रवेश ही होने लगता है। राधा में कभी भी प्रवेश नहीं दिखाया जा सकता, वो विष्णु है। विष्णु संपन्न स्टेज को कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल संपन्न स्टेज पार्ट बजाने वाला है, वो बकबक करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, करने वाला है या बोलने वाला है, करने वाला, सोचने वाला भी नहीं है। ये सोचना करना, प्लानिंग करना, ये रुद्रमाला का काम है। दोनों कैसे होंगे? एक शरीर छोड़ेगा तब तो दूसरे में प्रवेश होगा। हाँ जी, तो मुरली में बोला कुमारका बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे? कोई कहता है 500 करोड़, कोई कहते है एक ब्रह्मा ही बच्चा है। मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते हैं, वो तो एक ही हो गया। तो विष्णु ब्रह्मा को अलग अलग करेंगे क्या? है एक ही है ना, तो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा माने ब्रह्मा सो विष्णु वैष्णवी देवी, वो एक हो गए। और बाप और तीसरा, तीसरे नंबर की सीट है जगदम्बा, जो बाद में डिक्लेयर होती है। हाँ, क्या पूछ रहे? ब्रह्मा से विष्णु से ब्रह्मा विराम की रूपा की मिलाप होता तो उम्र भगवान का प्रवेशता नहीं मिली। मेरा बात यही है कि जिस पर प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। कहा एक ब्रह्मा की स्टेज है पुरुषार्थी जीवन की, जो ब्रह्मा विकारी कहा जाता है। ब्रह्मा क्या है? विकारी, उसकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा किसकी होती है? पूजा होती है प्योरिटी के आधार पर। तो जो बोल बोल की स्टेज में है, प्रैक्टिकल करने की स्टेज में नहीं है, वो विकारी स्टेज है। इसलिए ब्रह्मा है और विष्णु प्रैक्टिकल स्टेज है या बोल बोल की स्टेज है। आत्मा ही काम करती है। ब्रह्मा में भी सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा थी या शरीरधारी था? कौन सी आत्मा थी? शिव की आत्मा थी। ऐसे ही विष्णु के जो संपन्न पार्ट चलता है उसमें भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। 2 मूर्ति क्यों नहीं कहा जाता? शिव की मूर्ति और ब्रह्मा की मूर्ति 2 मिलकर के करने काम। 2 मूर्तियों में प्रवेश हो जाए तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, 2 मूर्तियों में एक में बोल बोल का पार्ट, कथनी का पार्ट,
मनन चिंतन का पाठ नहीं। और प्रैक्टिकल पार्ट भी नहीं, वो ब्रह्मा का पार्ट। दूसरी मूर्ति कथनी भी है और मनन चिंतन मंथन भी है, प्लानिंग भी है नई दुनिया की, लेकिन प्रैक्टिकल गुप्त है, क्योंकि बाप गुप्त होकर के आते हैं। प्रत्यक्ष होकर आते हैं या गुप्त होकर आते हैं? गुप्त होकर के आते हैं। और तीसरी मूर्ति है कथनी नहीं है, क्या है? मंथन नहीं है, क्या है? प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली है। दो प्रैक्टिकल करने का कार्य है, पार्वती वाली आत्मा कहो या वैष्णवी वाली आत्मा कहो, राधा वाली आत्मा कहो, उसने 63 जन्म में करके दिखाया किया है? नहीं किया। फिर यहाँ कौन कर रहा है संगम में, या कौन करा रहा है? शिव कर रहा है, शिव करा रहा है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि विष्णु की मूर्ति को निकाल दिया जाएगा, ऐसे भी नहीं है। कि शिव उस समय प्रवेश ही नहीं होता, प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाने के लिए प्रवेश है। मैं करणहार भी हूँ और करावनहार भी हूँ, दोनों पार्टी के द्वारा वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। विष्णु की मूर्ति के द्वारा करणहार ब्रह्मा सो विष्णु, और शंकर की मूर्ति के द्वारा करणहार का पार्ट नहीं बजावे चाहे, लेकिन करावनहार का पार्ट बजाता है। बच्चों से करा के छोड़ेगा। ब्रह्मा का पार्ट जस्ट अपोजिट था, बच्चे करें या न करें लेकिन ब्रह्मा को चक्कर के दिखाना है। तो तीनों मूर्तियों का पार्ट अलग अलग है। ऐसे नहीं कि विष्णु की मूर्ति में प्रवेश ही नहीं हुआ तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है।